सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2023 आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आप बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैट्रिक रिजल्ट भी जारी होने वाला है। आखिर आपको ये पता नहीं है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट हम लोग अपने फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनसे पहले अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं की तो मेरे भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको सर्च कर लेना होगा बिहार बोर्ड ऑनलाइन। इस तरीके से आपको सटा सटा के, मतलब सारे अक्षर को सटा के बिहार बोर्ड ऑनलाइन करके सर्च कीजिएगा। तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों, दूसरा जो साइट दिख रहा होगा दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com, इस साइट के ऊपर चले जाना है। तो दोस्तों, इस साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 दिख रहा है। तो दोस्तों, लिंक नंबर 1 या लिंक नंबर 2 दोनों में से किसी पर आपको क्लिक कर देना है। आप किन्हीं भी, मतलब लिंक पर जाके आप अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लिंक नंबर 1 पर क्लिक किए हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहां आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी आपके एडमिट कार्ड में रोल कोड है, अपने रोल कोड को फटाफट से ऐड कर लेना है। तो चलिए, हम लोग अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से अपने रोल कोड को दे दिए हैं। उनके बाद दोस्तों, आपका जो रोल नंबर है, आपको अपने रोल नंबर को फटाफट से ऐड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने रोल नंबर को भी अच्छे तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, रोल नंबर ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको जोड़ लेना है कि दोस्तों, आपका जो कैप्चर कोड कितना हो रहा है दोस्तों, 16+17। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 33 हो जाता है। तो 33 आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यहाँ आपको व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, व्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों, आपका जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपके दोस्तों रिजल्ट में आपका क्या नाम है यहाँ आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका फुल मार्क्स, कितना कितना डिवीजन आपने पास किया हो दोस्तों, देख सकते हैं कि सेकेंड डिवीजन से इन्होंने पास किया है मैट्रिक रिजल्ट में, मैट्रिक को। और दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है आप यहां से वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसे प्रिंट करना तो दोस्तों, यहां आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां आप जाके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरीके से बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।